तो रिसेंटली मैंने एक राउटर परचेस करी है जो कि है टीपी लिंक की आर्चर C6, और इसका ही हम इस वीडियो पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये रही पैकेज। वैसे मैंने ये एक ऑर्डर करी थी फ्लिपकार्ट से, बट ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो पहले तो राउटर को निकाल लेते हैं। वैसे प्लास्टिक भी लगी हुई थी, मैंने पहले ही हटा दिया। एंड ये कुछ डिटेल्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट एंड बैक पे। तो ये रही बॉक्स जिसके अंदर हमारी राउटर है, और ये काफ़ी अच्छे से पैक हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छे से डिलीवर किया गया था। तो पैकेजिंग के लिए तो 10/10 दे सकते हैं हम इसे। और ये रही हमारी राउटर, वैसे काफ़ी हल्का है। और वैसे मेरा ये पहला राउटर परचेस है तो मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता था, बट यस मैंने बहुत रिसर्च करी थी उसके बाद ही खरीदी है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है पुस्तकें, ये है लाइसेंस के बारे में समथिंग। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इंस्टॉलेशन गाइड, तो जो पहली बार ख़रीदता है उसके लिए डेफिनेटली यूज़फुल होने वाली है, या पहली बार राउटर यूज़ करता है तो मेरे लिए भी काफ़ी यूज़फुल थी एंड आपके लिए भी यूज़फुल हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा इंस्टॉलेशन गाइड आपको मिल जाता है, और साथ ही मिलता है आपको RJ45 का ये छोटा सा केबल, ईथरनेट केबल जिसे हम कहते हैं। तो ये भी आपको बॉक्स पे ही मिल जाती है एक यूज़ करने के लिए। और इसके साथ ही आपको मिल जाता है एक अडाप्टर जो कि है 12 वोल्ट 1 एम्पियर की अडाप्टर, और इसे बेसिकली आप पावर अडाप्टर है ये, आप पावर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आपके राउटर को। एंड आप पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। और ये फाइनली राउटर को देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ वार्निंग दिया हुआ है। एंड प्लास्टिक को निकाल लेते हैं पहले तो। ओके, ये अच्छा है कि फाड़ना नहीं पड़ा, यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन था निकालने के लिए। एंड यहाँ पे बैक में कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पे पासवर्ड भी आपको मिल जाती है। ज़्यादातर राउटर की पासवर्ड जो है यहीं पर रहती है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, और ये यहीं पर देख सकते हो। आगे से डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, एंड यहाँ पर धूल जमती है वैसे। पीछे यहाँ पे आपको 4 GB राउटर मिल जाती है लैन पोर्ट, एंड यहाँ पे वैन पोर्ट एक मिलती है गीगाबिट की। पावर बटन है और WPS बटन है साथ ही, और यहाँ पे पावर अडाप्टर के लिए जैक है, बेसिकली इनपुट है। और ये 4 एंटेनाज हैं जिसमें बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी भी है, बाय द वे ये बीम फॉर्मिंग भी सपोर्ट करती है ये राउटर। और डुअल बैंड वाईफाई राउटर है, तो आपको 2 बैंड यहाँ पे मिलते हैं 5 GHz एंड 2.5 GHz। यहाँ आगे की तरफ कुछ इस तरह से दिखती है ये, एंड पीछे जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाती है, उसके बाद मिलता है आपको ये पावर का इनपुट, उसके बाद वैन पोर्ट, गीगाबिट वैन पोर्ट है, और उसके बाद 4 LAN पोर्ट मिलते हैं गीगाबिट लैन पोर्ट, तो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको WPS बटन और रीसेट बटन मिल जाती है। तो ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो इस राउटर के लिए टीपी लिंक आर्चर C6। हम यहाँ पर रिव्यूज़ वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने के बाद ही डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो इसकी रिव्यू भी आपको डेफिनेटली मिलेगी लेकिन कुछ दिनों बाद। मैंने ऑलरेडी इसे काफ़ी महीनों तक यूज़ कर लिया है एंड अभी डाल रहा हूँ ये अनबॉक्सिंग वीडियो, एंड देन कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद मैं रिव्यू वीडियो भी जो है अपलोड कर दूँगा। तो अगर वो देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलता है अगले वीडियो में।